आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। स्मृति जी, आप गुजरात से एमपी हैं, बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, लेकिन हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए गुजरात में, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। गुजरात में विकास कितना होता है इंसान का, उसका एक प्रमाण मात्र आप अरविंद केजरीवाल में ही देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में घूम रहे थे वैगनआर में, लेकिन गुजरात से लौटे तो प्राइवेट जेट में। केजरीवाल जी एक पॉलिटिकल स्टंट करने गुजरात गए थे, और अगर वो कहते हैं कि वो मिलना चाहते थे तो प्रश्न ये उठता है फिर उन्होंने दिल्ली में एक लाइव ऑडियंस के बीच में समय पहले से ही निर्धारित क्यों कर दिया। इसका मतलब साफ था कि केजरीवाल जी जानते थे कि मैं अपने साथ कुछ मीडिया के बंधुओं को ले जाऊंगा, थोड़ा बहुत अहमदाबाद में तमाशा करूंगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता सवालों के जवाब ढूंढना नहीं था, मेरी प्राथमिकता था कि मैं देश की राजधानी में आकर कॉन्क्लेव में बैठकर मोदी जी को गाली दूंगा, और अगर थोड़ा वक्त बचेगा तो दिल्ली आके वापस खासूंगा। आप कह रहे थे कि मेरी अंग्रेजी सुधर गई है या अब देखिए मैं आपको एक दो टेस्ट देता हूं, पता चल जाएगा कि सुधरी। मान लीजिए सर, सीधा ही गोली मार दो आप, छोड़ते नहीं है इलाज तक। इसको ट्रांसलेट करना आप, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। You know, the bhoot, the ghost. Shut up. Nigga. I'm 100% nigga. Nigga. I'm 200%. RSS के आदमी, ये भी मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है, उसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा। अभी तक आपको पता नहीं था वो? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं कि जितनी भी टिकट दी हैं वो अच्छे लोग को टिकट दी हैं, उसका एक सर्वे मैंने कराया है, तो जो 70 लोग टिकट दी है उनमें से 8 आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता थे और 7 ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल थे। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं तो उनको आपके टिकट या आपकी पार्टी गंगोत्री है इसमें आके सब साफ हो जाते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया आप जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए। जब वो छुट्टी पर गए थे तो आपने कहा था जब वापस लौटेंगे तो ब्लूप्रिंट लेकर लौटेंगे, तो ब्लूप्रिंट कुछ मिला है? मैं समझता हूं कि उनके मस्तिष्क में और उनके दिल में ब्लूप्रिंट बिल्कुल है, और आप स्वयं देखेंगे अगले 1-2 महीने में वो परिवर्तन जरूर आएगा। कहां परिवर्तन आ रहा है, वो नेपाल एम्बेसी में कंडोलेंस मैसेज लिखने गए वो भी फोन से देख देख के लिख रहे हैं। किसने बोला आपको कि फोन है? क्योंकि मैं आपके शो में, अगर मैं कहूं कि मैं आपके शो में अपना मोबाइल फोन निकालूं तो आप क्या कहेंगे कि मैं उत्तर देख के पढ़ रहा हूं? क्यों, अगर मेरा ईमेल आया हो तो मैंने ही रखा है तो आप कहोगे कि मैं देख के पढ़ रहा हूं? अच्छा, ऐसा है, वो जो वीडियो था, प्रॉब्लम यही है कि आप हर चीज में अनेक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे राहुल जी एम्बेसी में थे वो वीडियो देख लेते हैं, जनता देख ले और फैसला हो जाए कि वो मैसेज कैसे लिख रहे हैं, वो हम चला के देख लेते हैं। ये एविडेंस है, मैं पेश करना चाहता क्या ख्याल है आपका?
कांग्रेस के अंदर जब भी कोई आदमी आता है बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं, जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को, इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं, मिलावट का सामान बेचते हैं पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूं सर। अच्छा आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी। मैं सारा केस बता देता हूं आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूं। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं बहुत है, अभी तो शुरुआत है। रवीन जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दी है। बात तो बता दूं आपको, अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त पास शिकायत है कि नहीं है? सर मेरे को जवाब देना पड़ेगा, अगर आप मेरे को जवाब देने ही देंगे तब तो मैं जवाब। आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा? 6 million ways to die, choose one.